ना ही खून से जुड़ा है, ना ही प्यार से जुड़ा है, और ना ही ये रिश्ता कोई दोस्ती से जुड़ा है। ये रिश्ता जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ एक वादे से, एक ऐसा वादा जो दिया ने रतन सा के हिफाजत के करने के लिए मान सिंह को दिया था। सेट इन द वेरी रॉयल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, द शो इज प्रोड्यूस्ड बाय शशि सुमित प्रोडक्शंस एंड इट लॉन्चेस टुमारो एट 9 PM ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। सो दोस्तों, शो के बारे में और जानकारी देने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे शो के प्रोड्यूसर सुमित जी का। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग देर से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ हम बात करें उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद द ईवी शो की एक झलक आप लोग प्लीज देखिए पहले। थैंक यू ईवी प्लीज। ये है दिया भाई साहब। 12 साल पहले इन्होंने दाता हुकुम मानसिंह को वचन दिया था कि जब तक रतन कुंवर साह 21 साल के नहीं हो जाते, केसर महल की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक वो रतन कुंवर साह की जान और केसर महल की आन बान शान की रक्षा करेंगी। आएंगे आप उनका स्वागत इन फूलों से कीजिए और आप उन्हें ये माला पहनाएंगे। पैसा कुर्सा के आने की खुशी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 12 साल से मांगते मांगते अब थकी कौन ही। अब जब भी मांग ही रही आप दिया भाई साहब हुकुम से, तो अपने पति के लिए थोड़ी इज्जत भी मांग लीजिए। आप होती कौन है, इनकी बात तो काटने वाली। पहरेदार उनकी छोटे ठाकुर से अगर आपको ये तलवार चाहिए हमसे। रतन साहब को मरना ही होगा। बताऊं तो मतलब टाइटल ही कह रहा है कि यू नो नाम ही काफ़ी है, रिश्ता लिखेंगे हम नया। हम नया रिश्ता लिखने जा रहे हैं। कुछ चेहरों पे स्माइल आ गई अचानक से। सो रिश्ता नया है ये, ऑडियंस के साथ और आप लोगों के साथ, सबके साथ ये एक थोड़ा कम स्पाइसी ज़्यादा मीठा रिश्ता होगा हमारा। एंड ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी लड़की की कहानी है ये, जो यू नो आज के वक्त में जहाँ हम कहते हैं कि इट्स माई लाइफ, आज हम यूथ को देख रहे हैं वो इट्स माई लाइफ और मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ है यूथ। ऐसे में एक ऐसी लड़की उभर के सामने आती है जो एक वचन की खातिर अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल बिना किसी अपेक्षा के कुर्बान कर देती है। सो ये रिश्ता अपने आप में एक जब इस कैरेक्टर के साथ रतन के साथ रंग लाएगा तो वो बहुत सारी ऊंच नीच और उस लड़की के सेक्रीफाइस की झलक दिखाता हुआ आगे बढ़ेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी फिर हम जब Q&A राउंड करेंगे यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द शो। राइट, थैंक यू, ओवर टू।
so much, Atumit ji. Can we have a huge round of applause for you? Thank you. So, जैसे सर ने कहा कि दिया ने अपने जिंदगी के 12 बेहतरीन साल दाता हुकुम मान सिंह की विरासत और उनके बेटे रतन मान सिंह की हिफाजत करने में निकाल दिए, मगर आज रतन कुंवर साहब पूरे 21 साल के होने वाले हैं। वो आज इस काबिल बन चुके हैं कि वो दत्ता हुकुम मान सिंह की विरासत की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सके। वक्त आ गया है कि वो दाता हुकुम मान सिंह की गति पर बैठकर सूरजगढ़ के नए दाता हुकुम बने। तो चलिए अब हम दिया और रतन साहब को बुलाते हैं और रतन कुंवर साहब के राज तिलक का समारोह शुरू करते हैं। पहले आपके पापा का नहीं इसकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी। पिछले 12 सालों हम इस परिवार को और इससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को अपने तन मन और धन से उठा रहे हैं। आज वो दिन है जब हम ये जिम्मेदारी आपको सौंपें। आज वो दिन है जब आप इस गद्दी पे बैठे और इस जिम्मेदारी को अपनाएं जो दादा हुकुम ने अपनाई थी। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं, इस बात का प्रतीक है कि आज से आप सूरजगढ़ के दादा हुकुम हैं। इसका मतलब ये है कि सूरजगढ़ के लोगों से जुड़ी हर खुशी और गम आपकी जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है रतन साहब कि आप इस तलवार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियाँ उतनी ही खूबसूरती से निभाएंगे जितने की मान बाप की का हुकुम ने निभाई थी। Coronation so regal and powerful till today. अभी मैं सुमित जी का और परिवार के बाकी सदस्यों का स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ एक फोटो आपके लिए। Oh,
a huge round of applause for our beautiful family, please. And now, ladies and gentlemen, the floor is open for questions. So, one second, on the mic. Thank you. सर जी आपने हमेशा ऐसे सक्सेसफुल शोज का निर्माण किया है तो इसका रहस्य क्या है और आपका प्रोडक्शन हाउस इतना टॉप फर्स्ट में आता है इसका क्या रीजन क्या हो बहुत मेहनत करते हैं भाई बहुत मेहनत क्या बताऊं देखिए जोक्स अबाउट आई थिंक मेहनत हम सब करते हैं और इतना ही कहूंगा कि हम लोग कहानियों में बहुत कोशिश करते हैं कि एक फ्रेशनेस हो उस लिहाज से शायद वो जब ऑडियंस को पसंद आ जाती है तो ज़्यादा अलग से निकल के आती है या उसकी बात अलग से हो जाती है क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि कुछ नया बनाए हम लोग ये शो को आपने राजस्थान में सेट किया है कोई खास वजह है देखिए हम इसमें हमारा जो एक हेरिटेज फील है और जो हमारी कहानी का एक थोड़ा अंश हमने रखा हुआ था पुराना भी तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे और जो हम वचन मान मर्यादा की बातें कर रहे हैं आई थिंक वो राजस्थान की मिट्टी में ही है अगर आप पुरानी लोक कथाएं भी देखेंगे वहाँ पे ये भर भर के आपको मिलेगी चीज़ देखने के लिए कि वहाँ पे छोटी सी बात बोल लीजिए या एक वचन बोल लीजिए उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे तो जो कहानी का इनहेरेंट जो बीज है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे लगा कि सेट हो सकता है मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल आपका शो लॉन्च हो रहा है और आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कोई खास वजह नहीं ये इसकी कुछ खास वजह तो मैं नहीं कहूँगा कि है नॉर्मली लॉन्च के दिन ही हम लोग आप यही कहना चाह रहे हैं शायद कि लॉन्च के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसका तो है कोई समझदार मेरे अलावा भी जो बताए एक्चुअली हमने सेवन नॉर्मली छः से ही होता है या मंडे से ही शो स्टार्ट होता है सब कुछ वैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा इस बार एक शो को एक होता ना शुभ स्टार्ट देने के उद्देश्य से हमने ट्यूसडे से या 7 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा शो को इसलिए दोनों चीज़ें अलग रखी गई हम लोग कल सेट पे लेकिन हम लॉन्च रख रहे हैं हम लोग देखेंगे शो हल्ला गुल्ला करके आप लोग आमंत्रित हैं प्लीज मोस्ट वेलकम या प्लीज खाली देख लीजिएगा हम मतलब किस तरह अभी बड़े सोबर से लग रहे हैं कल पता नहीं हेलो मेरा सवाल है मेरे काबिल दोस्त ने आपकी तारीफ की कि आपके शो बहुत बेहतरीन होते हैं और सक्सेस रहते हैं लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि जो आपका जो शो पहले शुरू हुआ था पहरेदारी पिया का तो ऐसी क्या वजह कौन सी चूक रही जिस वजह से आपको शो को ब्रेक करना पड़ा और फिर नए सिरे से और नई स्टार कास्ट के साथ शुरू करना पड़ा या कहीं ना कहीं कहानी की स्टोरी लाइन थी उसमें कहीं कमी रही या आपने इस स्टोरी को जो हमारा भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक ताना बाना है उसकी उधेड़ बुन कर दी जिसकी वजह से आपको ट्रोल होना पड़ा सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया हाउस में क्या वजह रही कहाँ चूक रही पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि ये दूसरा सवाल है मैं तो उम्मीद कर रहा था शुरुआत ही इसी सवाल से होगी तो थैंक यू सो मच मेरा थोड़ा ग्राउंड सेट हो गया थोड़ा बातचीत करके सी एक्चुअली उसका बंद करने का बड़ा कारण ये था कि हमें लगा कि कहानी से ध्यान हटके लोगों का अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान जा रहा तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने कभी निकल के ही नहीं आएगी क्योंकि लोग उसे गॉसिप का जरिया बना के बैठ गए हैं और जिसपे राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके एक एक शॉट एक एक सीन को बनाने में जान देते हैं अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो सीन अननोटिस जा रहा है तो एज अ मेकर हम कभी भी वो लाइक नहीं करेंगे राइट सो बेटर यही था कि हम एक नई कहानी बताएं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो लोगों की इधर उधर भटकने की और वो कहानी को देखें और कहानी को एंजॉय करें अगर उसमें उनको कुछ कमी नज़र आ रही है और उनको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है या जो भी है मोस्ट वेलकम बट कहानी देखें सो ध्यान हमारा हटाने का उद्देश्य था लोगों का अदर एक्टिविटीज से दैट्स द ओनली रीजन अदिति जी आप एक मराठी इंडस्ट्री के काफी दिग्गज कलाकार हैं तो आज हिंदी में आप काम करने का अनुभव कैसा है नमस्कार
हिंदी में काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही बढ़िया है. मराठी इंडस्ट्री में मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ. थिएटर किया है मैंने, सत्यदेव दुबे, विजय तेंदुलकर, इनके प्लेस किए हैं मैंने, तो हिंदी थिएटर काफ़ी किया है मैंने. हिंदी सीरियल मेरी पहली है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है. नकुशी हमारी एक मराठी सीरियल थी जो शशि सुमित प्रोडक्शन की थी, वहाँ से मैं यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब तक आप एक फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं तब तक ऑडियंस तक आप नहीं पहुँच पाते हैं. तो दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी और मुझे लगता है कि आगे जाके भी मैं ये शो के बाद और एक शो ऐसा शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ में काम करती रहूँ. धन्यवाद. क्या ये शो पायलट सीरीज होगी या कितने एपिसोड्स आपने तय किए? ये ऐसा कुछ इरादा नहीं, जब तक ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा हम बनाते जाएंगे. अफकोर्स कहानी हमें लगेगा कि मीठी है उतनी, हम कभी भी कहानी को खींचने में बिलीव नहीं करते, तो जब तक हमें लगेगा कहानी में पोटेंशियल है तो तब तक तो टच वुड चलते चले जाएंगे सालों साल. इच्छा तो होगी. जो कलाकार हैं उनका क्या अनुभव है शो में काम करने? हेलो, अनुभव तो अभी तक इतना अमेजिंग रहा है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड टिल नाउ. आउट ऑफ नोवेयर एक महीने पहले मैं लाइक आउट से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे बैठा था. एक महीने बाद ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी.